हेलो गाइस, सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हरी पावर पॉइंट। स्कूल खुलने की खबर आते ही माओ की परेशानियां शुरू हो गईं। कुछ माएँ सोच रही हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, और कुछ सोच इस्तराब का शिकार हैं, और कुछ सोच रही हैं कि अल्लाह करे ये न्यूज़ फेक हो, कुछ दिन और बढ़ जाए। कि कोई मामा सोच रही हैं कि दोबारा रूटीन शुरू करूं, सब कुछ तो उल्टा सीधा हुआ हुआ है। और कुछ कह रही कि शुक्र है पुरानी रूटीन पर ज़िंदगी आ जाएगी तो कुछ सुकून होगा। वहीं कुछ बच्चे भी बोरियत से शदीद बोर हुए में परेशान, और कुछ रोना शुरू कर दिया कि स्कूल नहीं जाना है मम्मा, इतना दिन हो गया मैं सब भूल चुकी हूँ। और कुछ कह रहे हैं मम्मा मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। अब लीजिए स्कूल खुला नहीं, तरह तरह के बहाने शुरू। वहीं कुछ हैप्पी स्टूडेंट भी है जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि हमने तो खूब इंजॉय किया, खूब कार्टून्स देखे अपने पसंद के, शॉपिंग भी कर लिया, फ्रोजन भी देखा, डोरा देखा, और जितने जितने फेवरेट कार्टून से थे सब कुछ देख लिया, गेम्स भी खेल लिए, बाहर भी गेम्स खेला, बाहर इंजॉय करने भी चले गए, और शॉपिंग भी कर लिया। तो अब तो स्कूल जाना है, अपनी टीचर्स से मिलना है हमें। वहीं मुख्तलिफ टीचर्स भी शॉपिंग करने के लिए सोच रही हैं कि क्या क्या शॉपिंग किया जाए, इतना दिन से लॉकडाउन में बैठे हुए थे, ना कोई नया चीज़ लिया। मम्मा मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, अब क्या होगा, स्कूल स्टार्ट होने वाली है, ब्रेक में आइसक्रीम खाऊंगी, अपने दोस्तों से मिलूंगी, और फिर इस टीचर को फ्लावर्स दूंगी। मैंने छुट्टियों में नमाज़ पढ़ना भी सीख लिया, लेकिन लगता है स्कूल का सब भूल कोई बात नहीं बेटा, टीचर्स फिर पढ़ा देंगी आपको सब कुछ। टीचर्स बहुत अच्छी हैं आपकी, हर सब्जेक्ट की टीचर्स आपको अब नए क्लास के नए मजामीन पढ़ाने के लिए तैयारी से आएंगी स्कूल, बेफिक्र हो जाए। आप कुछ सिचुएशन तसव्वुर कीजिए, जब बच्चे इतने दिनों के बाद वक्फे के साथ स्कूल जाना शुरू करेंगे तो अम्माओं और अब्बाओं की खुशियां और बच्चों की परेशानियां कैसे। ज़्यादा मास्क के साथ स्कूल जाना बच्चों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। पहले कितने खुशबाश थे, और अब क्लास के अंदर भी मास्क पहन के रहना पड़ेगा, और प्रिंसिपल भी मास्क लगा के आएंगे, पता नहीं टीचर है या प्रिंसिपल है, पहचानना मुश्किल होगा हमारे लिए तो। और फिर टीचर को देख जब ज़ोर से डांटेंगी क्लास को, तो हो सकता है उनका मास्क भी फट जाए, और फिर हम सब मिलके कह कहाँ लगाते रहें। कहीं ये मास्क चीटिंग करने का नया तरीका तो नहीं ईजाद करेगा? अरे वाह, मेरे पास तो मैचिंग के मास्क हैं, गर्ल्स एक दूसरे को यही कहा करेंगी। टीचर से शिकायत कुछ इस तरह से होंगी, मैं देखिए इसने मेरा मास्क ले लिया और मेरे मुंह के ऊपर खांस रहा है। स्कूल नहीं जाना चाहने वाले बच्चे कहेंगे मैं तो स्कूल जाऊंगी और खांस दूंगी, फिर मेरे 20 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपके लिए आइंदा भी ऐसी मुनफरद वीडियो बनाती रहूँगी। अल्लाह।